ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज तक जो सुविधा कोई भी सरकार नहीं दे सकी, वह सुविधा अब जोनल अस्पताल मंडी में डॉक्टर उदय भानु राणा उपलब्ध करवा रहे हैं। दूरबीन तकनीक से ऑपरेशन करने वाला जोनल अस्पताल मंडी प्रदेश का पहला सरकारी जोनल अस्पताल है। 35 वर्षीय युवा डॉक्टर उदय भानु राणा ने मरीजों को सुविधा देने के लिए 10 लाख रुपए के उपकरण बिना किसी सहायता से अपनी जेब से पैसे खर्च कर खरीदे हैं। आज तक जो सुविधा कोई भी सरकार न दे सकी, वह सुविधा अब जोनल अस्पताल मंडी में डॉक्टर उदय भानु राणा ने उपलब्ध करवाई है। दूरबीन तकनीक से ऑपरेशन करने वाला जोनल अस्पताल मंडी प्रदेश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। 35 वर्षीय युवा डॉक्टर उदय भानु राणा ने मरीजों की सुविधा के लिए अपने खुद की राज 35 वर्षीय युवा डॉक्टर उदय भानु राणा ने मरीजों की सुविधा देने के लिए 10 लाख रुपए के उपकरण बिना किसी सहायता के अपनी जेब से पैसे खर्च करके लिए हैं। निजी अस्पताल में इस ऑपरेशन का खर्च करीब 2 लाख तक रहता है। स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों को ये सुविधा बिल्कुल फ्री मिल रही है। इस ऑपरेशन की खासियत ये है कि ऑपरेशन के उपरांत करीब 20 दिन में मरीज सामान्य हो जाता है। यही नहीं, डॉक्टर उदय भानु राणा ने खुद करीब 3 लाख रुपए खर्च कर दूरबीन तकनीक से ऑपरेशन करने के लिए ट्रेनिंग तक की, जिसे डॉक्टरी भाषा में लेप्रोस्कोपी मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी कहते हैं। जोनल अस्पताल मंडी में तैनात सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर संदीप ठाकुर ने भी अपने खर्च से ये ट्रेनिंग की थी और अब अपनी जेब से करीब 3 लाख खर्च कर कमला नेहरू अस्पताल में दूरबीन तकनीक से ऑपरेशन करने के लिए उपकरण खरीदे थे। अब डॉक्टर संदीप राठौर और डॉक्टर उदय भानु मिलकर दूरबीन तकनीक से जोनल अस्पताल मंडी में ऑपरेशन कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर उदय भानु राणा है। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और एक ट्रेन लैब सर्जन हूँ, और ये मेरे सीनियर हैं डॉक्टर संदीप सिंह राठौर। सभी गायनेकोलॉजिस्ट हैं और इज अ ट्रेन लैब सर्जन ऑल्सो। तो कल हमने यहाँ पे एक इनिशिएटिव लेते हुए, पहले हमने सोचा था कि गवर्नमेंट से रिक्वायरमेंट दिया था हमने लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, लेकिन वो इतनी जल्दी प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है। तो फिर अपना इन्वेस्ट करके मैंने सारा अपने एक्सपेंसेस पे हमने यहाँ पे मशीन्स मंगाई हैं, और उसके बाद हमने कल 2 सर्जरीज यहाँ पे स्टार्ट की हैं। और ये इस तरह की सर्जरीज जो हैं वो हिमाचल में, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि इस तरह का कोई ऑपरेशन हुआ है। ये पेशेंट को पेट काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस 2 या 3 छोटे होल्स करके उससे पूरा का पूरा यूट्रस जो है हम बाहर निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो ये किसी भी गवर्नमेंट सेटअप में हिमाचल में ये दिस इज द फर्स्ट टाइम कि इस तरह का ऑपरेशन हुआ है। सर यही है कि हिमाचल में अभी लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज होती ही नहीं है, स्पेशली गायनेकोलॉजी साइड से। तो हमारा मोटिव सिर्फ यही है कि यहाँ पे इस चीज़ को स्टार्ट किया जाए, क्योंकि किसी भी पेशेंट को अगर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करवानी है तो उसको यहाँ से चंडीगढ़ या उनको दिल्ली जाना पड़ता है, और बहुत एक्सपेंसिव सर्जरी है। मतलब अगर आपको सिंपल हिस्टेक्टोमी भी करानी है, हिस्टेक्टोमी का मतलब यह है कि यूट्रस रिमूव करवाना है, तो उसका खर्चा ही अराउंड 1 लाख to 1.5 लाख है। और यहाँ पे हम ऑलमोस्ट बहुत ही नॉर्मल नो कॉस्ट उस पर ये सब चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं। तो पेशेंट को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है इससे, कि पेशेंट को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आज पेशेंट को ऑपरेट किया है तो समझ लीजिए आप कल या परसों तक उसकी छुट्टी हो जाएगी। पेशेंट का कोई निशान नहीं होगा शरीर पे, कोई पेट नहीं काटा जाएगा उसका, बहुत जल्दी अपना काम रिज्यूम कर सकते हैं, बहुत कम पेन पेशेंट को होता है। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, ब्लड लॉस एकदम बिल्कुल जीरो। जैसे आप पेशेंट को ओपन करते हैं, ओपन सर्जरी करते हैं, तो उसमें ब्लड लॉस काफ़ी ज़्यादा होता है। इसमें इसका फायदा ये है कि इसमें ब्लड लॉस जो है बहुत ही कम होता है, आर्डली 10 to 20 ml के अराउंड ब्लड लॉस होगा इसमें पेशेंट। जैसे कि इसमें आपको एक्सपर्टीज चाहिए और इक्विपमेंट चाहिए, तो इक्विपमेंट यहाँ पे किसी हॉस्पिटल में नहीं है। तो वही हमने इनिशिएटिव लिया है कि मैंने अपने पैसे से हमने सारा अरेंज किया है ये सब कुछ, और उसके बाद हमने ये स्टार्ट किया है। तो डेफिनेटली लोगों को फायदा होगा इस चीज़ का। और डॉक्टर साहब ने जैसे पहले बताया कि लैप्रोस्कोपी ट्रेनिंग डॉक्टर साहब ने की 6 महीने की अपने एक्सपेंसेस पर। मैंने भी लैप्रोस्कोपी ट्रेनिंग की हुई है और इनफर्टिलिटी की भी मैंने ट्रेनिंग की हुई है। तो जिन कपल्स में प्रेगनेंसी का कोई इशू होता है, प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है, वो खासतौर पर मैं देखता हूँ, साथ में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करता हूँ। ट्रेनिंग के बाद सारा पैसा इन्वेस्ट किया, 10 लाख रुपये से खुद का सामान लेके आए हॉस्पिटल में, ताकि मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। तो एक बहुत अच्छा कदम है डॉक्टर साहब की तरफ से। 10 लाख रुपए इज़ अ ह्यूज अमाउंट, इतना तो सरकार भी नहीं इन्वेस्ट करती किसी चीज़ मरीज के लिए। इन्होंने खुद अपनी जेब से 10 लाख रुपए का सामान खरीदा हॉस्पिटल के लिए, और उसका फ़ायदा डेफिनेटली मरीजों को होने वाला है।